घुघरी विकासखंड के ग्राम सुरेहली में कोल्हापुर से आए ठेकेदार के कुछ आदमियों ने ग्रामीणों को 400 रुपए मजदूरी का लालच देकर 10 दिसंबर 2019 को अपने साथ ले गए तथा जिस ठेकेदार के पास मजदूर पहुंचे उसने उन मजदूरों को दूसरे ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया, जहां पर उन्होंने मजदूरी प्रारंभ कर दी। लेकिन कुछ मजदूरों को लगा कि वे बंधक हो गए हैं तो वे वहां से भागने का प्रयास करने लगे, जिसके चलते उन्हें पकड़कर वापस काम पर लगा दिया गया। कोल्हापुर पहुंचे मजदूरों में से कुछ ने अपने परिजनों का खबर की कि वे यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते परिजनों ने घुघरी थाने में इनकी खोज खबर तथा वापस गांव लाने के लिए ज्ञापन सौंप। भाग कर आए मजदूरों ने अपनी पीड़ा बताते हुए जानकारी दी कि सुरेहली गांव के करीबन 45 मजदूरों को कोल्हापुर ले जाया गया था, लेकिन वहां जब मजबूरी देना बंद कर दिया गया और प्रताड़ित करना शुरू किया गया तो उनमें से 2 मजदूर कोल्हापुर से किसी तरह भाग कर वापस अपने गाँव आ गए और इसके बाद उन्होंने सभी अन्य मजदूरों के परिजनों को सूचना दी। भेजी यहाँ से कोई नए युवक आया था, भास्कर नामक कोई व्यक्ति आया था ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में, और वो गांव घूमता रहा और बोलता रहा कि 400-500 रुपए रोजी के मजदूरी दूंगा करके। यहाँ के बहुत सी लोगों को ग्राम सुरहली के बहुत सी लोगों को बहला फुसला करके वो ले गया यहाँ से कोल्हापुर ले गया, और वहाँ जा कर के वो किसी को एग्रीमेंट में दे दिया गया था। उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से उनको काम कराते रहे, मारते पीटते रहे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते रहे। उन्होंने मेरे को पता नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं एक दो लोग, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया, तो मैंने उनका डाटा मालूम किया कि कहाँ कहाँ के लोग हैं करके, तो आजूबाजू के सभी गाँव के लोग से मैं उनसे परिचित किया, बात करने के बाद में सभी थानों में उनका रिपोर्ट लगवा दिया। लगवाने के बाद मैंने घुघरी थाना में रिपोर्ट उनके बारे में लगवाया गया। हमारे कुछ परिजनों के द्वारा वहाँ पे कुछ पैसा भिजवाया गया है, अब उन आने की समस्या है। मैं निवेदन चाहूँगा कि वहाँ के लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा लाने की व्यवस्था की जाए, ताकि वो दोबारा उनके साथ इस तरीके से मानव तस्करी का काम ना हो। और मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूँगा कि वो यहाँ से जितने पलायन हो रहे हैं मजदूर, कहीं ना कहीं इस तरफ सरकार का भी ध्यान जाए, ताकि हमारे लोग बाहर ना जाएं, यहीं काम पे लगें और ये उनके साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार ना हो। क्या सूचना, क्या जानकारी? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर थाने में तो अभी तक यानी कि सूचना नहीं दिए थे। ऐसे अभी जानकारी मिला है कि सूचना यानी कि थाने में दिए हैं, अभी जानकारी मिला है घुघरी थाने में, तो जैसी सूचना यानी कि मिल जाती हम उस पर आवश्यक कार्रवाई कर लेंगे। कल उनके द्वारा थाने जाकर के आवेदन दिया गया है, परिजन भी लगभग 20 से 25 की संख्या में वहाँ पर गए हुए थे, तो उनको सकुशल बुलवाने की क्या व्यवस्था की जाएगी? नहीं, मैं सबको वो जो अपनी ये है जो गए हैं उसको मैं पूरा अध्ययन कर लेता हूँ, जैसे भी होता परिजनों से भी बात कर लूँगा, संबंधित थाने से भी बात कर लूँगा, और जो व्यवस्था होगी मैं करूँगा।